हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। आई नो बहुत दिनों बाद मैं ये बात आप सभी के सामने कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है, तो चलिए देखते हैं आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग। तो आज बहुत पहले मैं उठ चुकी थी। मेरा ऑलमोस्ट सारा घर का काम कम्प्लीट हो चुका है। इवन मेरे साथ साथ अनुषा भी बहुत पहले उठ चुकी है। जो भी कपड़े हैं वो ऑलरेडी धो के सूख गए हैं, वही मैं उठाने के लिए लाई हूँ अभी अनुषा को छत पे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ मेरी जो आंट इन लॉ है, मेरी जो मौसी सास है, वो घर पे रिटर्न कर रही है बहुत दिनों बाद। ऑलमोस्ट सात आठ दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट थे। कुछ रीज़न के वजह से तबीयत उनका बिगड़ गया था, उनको एंड टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और फिर घर का जो सिचुएशन था, मैं आधा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही थी। सुबह से लेकर रात तक जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं घर पे आती थी, फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था। तो अनुषा को इन दिनों में मैं टाइम ही नहीं दे पाई और व्लॉगिंग भी मेरे से नहीं हो पाया। सो कोई ना, लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है, सभी को फेस करना ज़रूरी है। अनुषा को मैं टाइम नहीं दे पाई इन दिनों में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सभी को देखना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो लोग हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं खड़े रहने की। सो मेरे घर के हर काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। पूजा वगैरह जो भी था मैं कंप्लीट करके अनुषा के पापा के साथ मैं बाज़ार आई थी, ताकि घर के लिए वेजिटेबल्स फ्रूट ले पाऊँ। बिकॉज़ मेरी मौसी सास मेरे घर पे आज कुछ दिनों रहेंगे, डिस्चार्ज करने के बाद मेरे घर पे ही रहेंगे। मैंने उनको कहा कि आप घर पे जाके काम नहीं कर पाएंगे इस बीच, तो आप मेरे घर पे रुक जाइए, दो तीन दिनों की बात है, फिर आप घर चले जाना। वो नहीं मान रही थी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया इसलिए रहेंगे मेरे पास। बिकॉज़ इन दिनों में मेरे से ज़्यादा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं हमेशा कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम दूँ, तो घर का काम वाम, शॉपिंग, बाज़ार, ये नहीं हो पाया, तो आज मैं करने के लिए आई। तो घर पे आने के बाद मैंने अनुषा को और सभी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं जल्द से जल्दी निकल गई, बिकॉज़ मुझे उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए जाना है। तो हॉस्पिटल में आधा से ज़्यादा लोग मुझे पहचान गए थे, बिकॉज़ इन दिनों में वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, सभी लोग पहचानते थे। तो अभी मैंने अनुषा को भी नहला के रेडी कर दिया है, ताकि अनुषा को मैं उनकी नानी के घर पर, मेरी मम्मी के घर पर रुक के छोड़ के फिर मैं डिस्चार्ज करवाने के लिए जाऊं। सो फर्स्ट डे जब मुझे पता चला उनका तबीयत खराब है, मैं ही लेने के लिए गई थी घर से, तब मैं और वो ही थे और सब लोग घर के बाहर थे काम के लिए। तो मुझे उनको देख के उस हालत में इतना ख़राब लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। उनका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था, और सुबह से हमने ऑलमोस्ट 5-6 घंटा हर एक हॉस्पिटल में कोशिश किया कि वो उनको एडमिट किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। तो 5-6 घंटे के बाद काफ़ी दूर हमारे घर से वहाँ पर एडमिट करवाना पड़ा, और फिलहाल उनका तबीयत काफ़ी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि यू कैन टेक हर होम, तो इसलिए हम लोग लेने के लिए आए हैं। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, और जो भी बिलिंग वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कंप्लीट होने के बाद मैं उनको लेके जाऊँगी। फ़िलहाल वही सब चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो
सो इन दिनों में उनको अपने सामने ऐसा देखना मेरे लिए बहुत टफ था। मैंने कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा है, हमेशा स्माइल करते हुए देखा था। लेकिन फ़िलहाल उनका तबीयत बहुत बेटर है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए बोला है और कुछ टेस्ट वगैरह दिया है जो हमें करवाना है, और 2 हफ्ते बाद उनको फिर से दिखाने के लिए, चेकअप करने के लिए आना है। और फ़िलहाल उनका तबीयत पूरा ठीक है, लाइट वगैरह खाने के लिए कहा है ताकि कोई भी फैट फूड उनको ना दिया जाए, और डॉक्टर ने जो भी दवाई दिया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा दिया है, और मैंने फ़िलहाल मेरे घर पे रहेंगे तो मैंने भी समझ लिया है और फ़िलहाल लेके जा रहे हैं घर पे। सो होम स्वीट होम, आई नो वो अपने घर पे नहीं जा रही है लेकिन अपनी बहन के घर पे जा रही है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको वेलकम करेंगे, उनको खुश रखेंगे ताकि हमारे साथ कुछ दिनों रहें, और उनका तबीयत जब पूरा पूरा ठीक हो जाए फिर हम उनको अपने घर छोड़ दें। सो दोपहर में काफ़ी लाइट खाना बना था, राइस, सोयाबीन की सब्जी, दाल, बैंगन फ्राई, आलू भरता, बस इतना ही, बहुत लाइट था। सब दोपहर को सोने के बाद हम सब अभी शाम के टाइम पे उठ चुके हैं, और जो भी धुला हुआ कपड़ा था सुबह का वही मैं टैग लगा रही थी, बिकॉज़ बहुत दिनों से मैं घर पे नहीं थी। घर का जो भी अनुषा के कपड़े, मेरे कपड़े, वो उलट पुलट हुआ था, तो वो सब मैं अभी बहुत अच्छी तरीके से लगा रही हूँ अनुषा के ये अलमारी में। और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, बहुत कम प्राइस में ये अलमारी लिया था मैंने, जब अनुषा बहुत छोटी थी तब मैंने लिया था। सो फिलहाल हम लोग अभी शाम के लिए थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो नूडल्स बनाए थे मेरी सास ने, वही अनुषा और मैं खा रही हूँ। अनुषा ने अपने खा लिया है, उसे पसंद नहीं है ये, लेकिन उसे अगर बोलो ये मैगी है तो वो खा लेती है कभी कभार थोड़ा बहुत। तो बहुत बनाने के बाद, थोड़ा बहुत खाने के बाद, मैं अभी मेरे जो भी कपड़े हैं अनुषा के वो मैं साफ़ करके लगा रही थी, और भी बहुत सारे कपड़े बचे हैं वो भी मैं एक एक करके ट्राई करूँगी, बिकॉज अभी टाइम मुझे मिला है तो वही करूँगी। इस बीच मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लड्डू अपने आप खेल रही है, और आप अनुषा को देखिए वो क्या कर रही है। सो ये सब तो चलता ही रहता है हमारे घर पे, तो क्या ही कर सकते हैं। और आज रात को बना था चिकन स्टू बटर में, ऑयल विदाउट ऑयल था ये, सब लोग यही खाए रात को डिनर में। और डिनर करवाने के बाद अनुषा को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुला दिया ताकि हम थोड़ा जल्दी सो पाए, सुबह से बहुत भागा दौड़ी हुई थी। और यहाँ पे राइस आप देख सकते हैं, सुबह का राजमा रखा है यहाँ पे, मैंने राजमा बनाया था, सैलड रखा है, और राइस के साथ ये चिकन हम लोग खाएंगे। सो अनुषा सोने के बाद अनुषा के पापा यहाँ पे अनुषा के नेल कट कर रहे हैं, बिकॉज इन दिनों में टाइम ही नहीं मिला ये सब काम करने के लिए, मैं बिजी थी बाहर। सो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा है मेरा ये व्लॉग बताना मत भूलिएगा। आज का दिन मैं बहुत याद रखूँगी, बिकॉज वो भी घर पर वापस आ गई है, वो कुछ दिनों में अपने घर पर वापस चली भी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के सामने ये सब शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।